हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 226-250 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 10 है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन इज 34°20′40″ and the magnetic declination of the place of observation is 2°20′ west on the date of observation. The magnetic bearing, since declination is west direction, that's why the magnetic bearing will be true bearing plus declination. Now magnetic bearing will be 36°21′. चलिए इसे हम प्लॉट करके देख लेते हैं। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो ट्रू बियरिंग है आपका कुछ ये है, जो कि 34°20′40″ है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी इधर है। दिस इज विल बी मैग्नेटिक नॉर्थ। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय MN एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। तो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ ए लाइन जो आपका है O और A, तो इसकी मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी मैग्नेटिक नॉर्थ से, यानी टोटल दिस एंगल दैट विल बी 34°20′40″ प्लस 2°20′। दैट्स वाई आंसर विल बी 36°21′। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग एजम्पशंस ऑफ बाउडिच मैथड, सिंस वी नो दैट बाउडिच मैथड इज यूज इन द ट्रैवर्सिंग मैथड। इट्स यूज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ एरर इन द ड्यूरिंग द ट्रैवर्सिंग। लेकिन बाउडिच मेथड यूज कब करते हैं? नाउ बाउडिच मेथड इज यूज व्हेन द प्रिसीजन इन एंगुलर मेजरमेंट्स एंड लीनियर मेजरमेंट्स इज इक्वल, देन बाउडिच मेथड इज यूज। और क्या होता है इस मेथड के अकॉर्डिंग? क्या होता है कि मान लेते हैं सबसे पहले हम ट्रैवर्सिंग के टाइम जितने भी लाइंस होते हैं उनके लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स निकालते हैं। यदि हमें करेक्शन लैटिट्यूड या डिपार्चर में करना है तो सभी लाइंस का समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर, यदि हम लैटिट्यूड का कर रहे हैं तो सिर्फ समेशन ऑफ लैटिट्यूड लेंगे इनटू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइंस अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। यानी जो ऑप्शन 4 है कि करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू टोटल एरर इन लैटिट्यूड L और डिपार्चर डी इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। ठीक। और एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट्स आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। यानी ऑप्शन 3 और 4 विल बी करेक्ट। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। To determine the length of bridge proposed to be built across a wide river, the surveying method of choice would be। देखिए जब भी हम ब्रिज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होती है, ब्रिज का सेंटर लाइन को सेटअप करना पड़ता है और लोकेशन ऑफ पायर्स कहाँ होते हैं उन्हें सेटअप करना पड़ता है। ठीक है। अब ब्रिज के डिटर्मिनेशन में हमें क्या है, लेंथ चाहिए, कुछ एंगुलर मेजरमेंट्स चाहिए। लेंथ और एंगुलर मेजरमेंट्स दोनों को कंबाइंड प्रोसेस जो होता है वो ट्रेंगुलेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन है लेंथ हम कैसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, हो सकता है हम टैकोमीटर यूज कर सकते हैं या कभी टेप भी यूज कर सकते हैं यदि कहीं पे हम कर पाए तो। एंगुलर मेजरमेंट्स में हम थियोडोलाइट भी यूज कर सकते हैं। तो यानी जो ये प्रोसेस है जिसमें हमें एंगुलर और डिस्टेंस दोनों मेजरमेंट्स करने हैं उसमें ट्रेंगुलेशन प्रोसेस होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेंगुलेशंस में हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोग्राफ इज ए टाइप ऑफ। देखिए सबसे पहले क्या है, जो ऑप्शन ए में दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ सन। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सन के मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है इसे हम बोलते हैं कैंपबेल सन्स मूवमेंट रिकॉर्डर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंटूरिंग एन एरिया, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस क्या होते हैं आपका, जो जैसे माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सन सिग्नल्स यूज इन ट्रेंगुलेशन वर्क्स,
सन सिग्नल्स यूज्ड इन ट्रेंगुलेशन वर्क, यही जो होता है हमारा हेलियोग्राफ होता है। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लॉट ऑफ लैंड 60 मीटर इंटू 20 मीटर इज मेजर्ड बाई ए स्टील टेप इफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द लेंथ एंड विड्थ मेजरमेंट इज टेकन एज प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एरिया ऑफ द प्लॉट वुड बी। एक्चुअली दिस स्टैंडर्ड एरर इज प्रोबेबल एरर, क्योंकि हम प्रोबेबल एरर ही फाइंड आउट कर पाते हैं। तो चूंकि लेंथ और विड्थ दोनों में जो स्टैंडर्ड एरर इन्होंने दे रखा है प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें स्टैंडर्ड एरर एरिया में निकालना है। तो मैं आपको सीधे सीधे एक फार्मूला बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर इन एरिया, लेट अस सपोज एरिया ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बराबर लेंथ, बी बराबर विड्थ। ए आपका 60 मीटर है एंड बी कितना है 20 मीटर, ठीक है। ए और बी में जो एरर है प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का है, जिसका हमने नाम दिया स्मॉल ई ए बराबर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर एंड स्मॉल ई बी क्या है प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। ई स्मॉल ई ए ई बी क्या है एरर्स इन ए एंड बी। अब हमें एरर्स इन कैपिटल ए पाना, यानी एरिया में पाना है, तो उसके लिए आप सीधे डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्या अंडर रूट ई ए अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ई बी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और इस अंडर रूट के बाहर आप ए बी से मल्टीप्लाइड कर दें। ए क्या हो जाएगा एरर इन एरिया। अब ई ए की वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस 1, ए का वैल्यू क्या है 60, ई बी का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1, अब बी का वैल्यू क्या है 20, सब रखते हैं। हाँ, ई ए जो है 1 सेंटीमीटर है, यानी इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा 0.01, और ए का वैल्यू कितना है 60 मीटर। नाउ आफ्टर द सॉल्विंग यू विल गेट द 0.632 मीटर, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 30 मीटर लेंथ कैन बी टेप्ड विद ए प्रिसीजन ऑफ प्लस माइनस 0.1 मीटर देन द स्टैंडर्ड एरर इन मेजरिंग दैट लेंथ इज 1.08 किलोमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि इन द लेंथ मेजरमेंट द एरर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। एल क्या है लेंथ ऑफ डायमेंशन, ठीक। अब इसी फार्मूले के यूज करके हम एरर निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। यानी हम मान लेते हैं ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एल वन अपॉन एल टू, एल वन अपॉन एल टू। ई वन आपका दे रखा है 0.01, ई टू आपको फाइंड आउट करना है। एल वन क्या है 30 मीटर और एल टू कितना है 1.08 किलोमीटर, यानी 1080 मीटर। आफ्टर द सॉल्विंग यू विल गेट द यूटी ई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.06 मीटर, बट आंसर इज गिवन प्लस माइनस 0.36, दैट इज रॉन्ग, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 30 मीटर स्टील टिप वॉज स्टैंडराइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज वे टेकन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल इज गिवेन पर डिग्री सेल्सियस देन एरर ड्यू टू द टेम्परेचर पर टेप लेंथ। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरर टेम्परेचर की वजह से निकालना है, लेकिन पर टेप लेंथ यानी पर 30 मीटर निकालना है। तो यानी हमें पता है कि टेम्परेचर की वजह से जो एरर होता है, टेम्परेचर की वजह से जो एरर होता है क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे एल क्या है 30 मीटर, अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशियंट्स है, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर है, लेकिन एल क्या होना है 30 मीटर से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें पर टेप निकालना है। यानी आपका होगा क्या सिर्फ अल्फा डेल्टा टी। अल्फा बराबर कितना है 0.0000112 इंटू डेल्टा टी क्या है 5 डिग्री, क्योंकि 20 था 15 पे हम कर रहे हैं। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सिंस टेप जो स्टैंडर्डाइज किया गया था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया था, लेकिन जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम कर रहे हैं, यानी कम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो क्या होगा श्रिंकेज होगा, यानी जो एरर होगा वो निगेटिव होगा ना।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द लेवल सर्फेस. लेवल सर्फेस क्या होता है? लेवल सर्फेस इज अ कर्व सर्फेस विच इज पैरेलल टू द अर्थ सर्फेस. और वहाँ से यदि हम प्लम्ब लाइन करें तब क्या होगा, हर एक पॉइंट वो क्या होगा, प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलर होगा. यानी आपका जो लेवल सरफेस होता है, एक कर्व सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट. यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ प्लॉट इज टू बी डिटरमाइन यूजिंग सिम्पसन्स रूल्स. द फॉलोइंग ऑफसेट्स वर टेकन टू ए बाउंड्री फ्रॉम द पॉइंट्स अलॉन्ग ए चेन लाइन, ऑल द मेजरमेंट्स बीइंग इन मीटर्स. आपको बता दें, एरिया मेजरमेंट्स करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ट्रेपोजॉइडल मेथड होता है, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड होता है, सिम्पसन वन थर्ड रूल होता है, सिम्पसन 3/8 रूल होता है. तो यहाँ पर हम सिम्पसन रूल की जो बात कर रहे हैं वो सिम्पसन वन थर्ड रूल होता है. और सिम्पसन वन थर्ड रूल बहुत ही याद कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ. सिम्पसन वन थर्ड रूल जो होता है तभी अप्लाई होता है जब नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स जो हैं ऑड नंबर में हों, मतलब जो ऑर्डिनेट हों वो ऑड में हों. और जैसे कि 1, 2, 3, तो 3 ऑर्डिनेट हैं तो आप सिम्पसन थर्ड रूल लगा सकते हो, या 5 ऑर्डिनेट हों, या 7 ऑर्डिनेट्स हों, या इसी को इस तरह भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इवन नंबर में हो. क्यों? देखिए आप इस तरह से सपोज करिए, 1 ऑर्डिनेट है, 2 ऑर्डिनेट है, 3 ऑर्डिनेट, 3 ऑर्डिनेट के बीच में कितने एरिया बने? 2 एरिया, एक A1, एक A2. यानी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स की संख्या जो है वो ऑड नंबर हो, जबकि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स की संख्या इवेन हो. ये चीज़ याद रखना, कब? जब हम सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाते हैं. चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 15, 12, 15, 22, 29, 36, 38, 31, 22, 17. यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9. 9 ऑर्डिनेट्स है, यानी ऑड नंबर हुआ. इसका मतलब सिम्पसन वन थर्ड रूल लगा सकते हैं. अब सिम्पसन वन थर्ड रूल है क्या, चलिए देखते हैं. तो जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है D/3 ब्रैकेट में Y1 प्लस Y2 प्लस 2 इंटू Y2 प्लस Y4 डॉट डॉट प्लस 4 इंटू Y1 प्लस Y3 डॉट डॉट ब्रैकेट बंद. इसका मतलब है क्या, Y1 प्लस Y2, यानी Y1 प्लस Y2 नहीं है, सॉरी YN है, ठीक है. तो Y1 क्या है? आपका पहला ऑर्डिनेट, और YN क्या है? लास्ट ऑर्डिनेट, ठीक. प्लस 2 इंटू Y2 प्लस Y4, 2 के साथ जो भी ऑर्डिनेट आएंगे वो इवन प्लेस पे होंगे, Y2 प्लस Y4 प्लस Y6. प्लस 4 इंटू Y1 Y3, यानी 4 के साथ जो भी ऑर्डिनेट्स आएंगे वो ऑड प्लेस पे होंगे, ठीक. ये फार्मूला. डी क्या है? इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स. जैसा कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स इज 100 मीटर, ठीक. तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं. अब देखिए, Y1 क्या है? 12. YN क्या है? 17. 12 प्लस 17 कितना हो जाएगा देखते हैं. 12 प्लस 17 कितना होगा? 12 प्लस 17 इज इक्वल टू 39. यानी इसका यूज होगा हमारे फार्मूले में, ठीक है. सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स क्या होगा? सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखिए आपका पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए, छठवा ए, सातवां ए, आठवां ए, नौवां ए. तो ऑड ऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 22, 36, 31, ठीक. अब 12, 17 तो हमें नहीं लेने हैं क्योंकि वो पहले हो चुके हैं, ठीक. यानी सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स इज 89 इज करेक्ट, ठीक. सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स पे क्या हो जाएगा? 15 प्लस 29 प्लस 38 प्लस 22, इसका सम 104. ये भी सही है. अब एरिया निकालने का क्या तरीका है? एरिया निकालने का तरीका है 100/3, क्योंकि D/3 इंटरवल 100 है, यानी 100/3 प्लस 12 प्लस 17 यानी 39 प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स यानी 89 प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट यानी 6 भी सही है. यानी आपका कौन कौन से पॉइंट सही हैं? 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6.
तेनी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हंड्रेड मीटर टेप इज हेल्ड वन मीटर आउट ऑफ द लाइन द ट्रू लेंथ इज. तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये ट्रू लेंथ ही था लेकिन बाय मिस्टेक आप 100 मीटर टेप को इस डायरेक्शन में रख दिए जो कि यहाँ से 1 मीटर है, 1 मीटर है, यानी आपकी एक्चुअल लाइन ए भी थी लेकिन आपने टेप को 1 मीटर इस साइड में रख दिया, दैट इज 100. अब आपको ए बी का लेंथ निकालना तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा जो 99.9950. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेटिंग आउट ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन फॉर द इरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन टावर इट इज रिकमेंडेड दैट द फॉरवर्ड पॉइंट बी सेट आउट विद बोथ फेस राइट एंड फेस लेफ्ट विद रेफरेंस टू द प्रीसीडिंग पॉइंट. सबसे पहली चीज़ क्या है, कभी भी हम जब बोथ साइड रीडिंग लेते हैं फेस राइट एंड फेस लेफ्ट, इसका मेन पर्पज क्या होता है, कॉलिमिनेशन एरर को रिमूव करना. जब हम बोथ साइड रीडिंग लेते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होना होता है, कॉलिमिनेशन एरर्स को मैनेज करना. यानी क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, तो उस समय यदि हम बोथ फेस रीडिंग लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, सॉर्ट आउट हो जाती है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ ट्रेवर्स लाइन ए बी क्या दे रखा है, कोई एक लाइन ए बी है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1000 मीटर हैं और वाई ए पे क्या है, 1000. अच्छा देखा जाए तो इसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है, इसका मतलब जो हमारा लाइन ए बी है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, इसका मतलब इसका जो एंगल होगा, इसका जो बेयरिंग होगा वो 90 डिग्री होगा. यानी क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस इसमें कट गए हैं, यानी इसकी जो बेयरिंग होगी दैट इज 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वेइंग. सबसे पहली चीज़ क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज मोर एक्यूरेट देन द चैन सर्वेइंग, और प्लेन टेबल सर्वेइंग में मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 80-90% वर्क जो हम फील्ड में कर लेते हैं, यानी इट इज मोर एक्यूरेट देन द चैन सर्वेइंग, यानी स्टेटमेंट वन जो है वो गलत है. इट इज नॉट नेसेसरी टू डू एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल फॉर ए स्मॉल स्केल सर्वे. लास्ट लेक्चर्स वीडियोज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में सेंटरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लार्ज स्केल, यानी स्मॉल स्मेल स्केल के लिए इट इज नॉट मच मोर रिक्वायर्ड. ऑप्शन पॉइंट थ्री, ए कंपास रूल मे बी यूज फॉर एडजस्टिंग द प्लेन टेबल ट्रेवर्स. यस, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन डिसेक्टर्स आर ड्रॉन टू प्लॉट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फील्ड. यस, रिसेक्टर्स हम इसलिए यूज करते हैं, एक्चुअली में जो इंस्ट्रूमेंट है उसके इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करने के लिए, लेकिन जब हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पता हो तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय प्लॉटिंग द रिसेक्टर्स वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द ड्राइंग. यानी स्टेटमेंट 2, 3 and 4 इज करेक्ट, यानी ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. देखिए कंटूर ग्रेडियंट्स होता क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ कंटूर्स विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, दैट इज कॉल्ड कंटूर ग्रेडियंट्स, एंड लाइन ऑफ स्टीपेस्ट ग्रेडियंट लाइंग ऑन द ग्राउंड. देखिए लाइन ऑफ स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता क्या है, इसे हम स्लोप लाइन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्लोप लाइन, द लाइन विच हैविंग स्टीपेस्ट ग्रेडियंट दैट इज नोन एज स्लोप लाइन. स्लोप लाइन्स क्या होती हैं, एक क्रिटिकल लाइन्स भी कहलाती हैं. रिज लाइन्स एंड वैली लाइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्लोप लाइन्स और क्रिटिकल लाइन्स. सैडल लाइन्स क्या होती हैं, आपको बताते हैं सैडल लाइन्स क्या होती हैं. जैसे सपोज करिए आपका ए रिज पॉइंट्स है, तो जो ए एक समिट पॉइंट से है, एक समिट पॉइंट से, तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है इसे हम सैडल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सैडल्स बोलते हैं. यानी जो सैडल्स लाइन होंगी हम इसे बोल सकते हैं, द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रिज लाइन रीचिंग समिट्स एट आइदर एंड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन को हम वाटर सेट लाइन भी बोलते हैं. ये क्या होती है, एक लाइन्स होती हैं विच पॉसेस थ्रू द रिज एंड सैडल सेटिंग अप ए डोमेन. वाटर सेट लाइन्स जो होती हैं ये रिज और सैडल से पास होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है गुप्ता एंड गुप्ता में,
दैट इज रॉन्ग आंसर. बट आंसर क्या होना चाहिए, कंटूर ग्रेडियंट्स क्या होगा, द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, द लाइन लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड कीपिंग ए कॉन्स्टेंट इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल. यानी आप देखें तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक. एंड बी क्या है, लाइन ऑफ स्टीपेड ग्रेडियंट लाइंग ऑन द ग्राउंड दैट इज नोन एज स्लोप लाइन. स्लोप लाइन के ही पार्ट्स होते हैं रिज लाइन और वैली लाइन. यानी बी का 3 होगा, जो कि आंसर में दे रखा है गुप्ता एंड गुप्ता में 5, दैट इज रॉन्ग. सैडल लाइन्स क्या होते हैं, सी का 1, जैसा कि हमने बताया था. लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन क्या होती है, द लाइन विच पॉसेस थ्रू द रिज एंड सैडल सेटिंग ऑफ ए डोमेन. यानी डी का 2, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो. तो आप देखिए, फ्रॉड्स ट्रांजिशन क्या होता है, फ्रॉड्स ट्रांजिशन इज ए क्यूबिक पैराबोला. फ्रॉड्स ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, ठीक. ये आइडियल ट्रांजिशन करो नहीं होता. जो आइडियल ट्रांजिशन करो होता है उसकी हम प्रॉपर्टी कुछ डिस्कस कर लेते हैं. सपोज करिए आपका एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व है, ये टेंजेंट है. यहाँ से हम कोई पॉइंट्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डिनेट क्या है, वाई, और यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस लेंथ है दैट इज स्मॉल एल, और टोटल लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है दैट इज कैपिटल एल. तो जो इस ट्रांजिशन कर्व का वाई ऑर्डिनेट और एक्स ऑर्डिनेट निकल के आता है वो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ. क्या आता है, वाई इज इक्वल टू 6, जस्ट वन मिनट, वाई इज इक्वल टू नॉट 6 बट स्मॉल एल क्यू, एक मिनट, वाई इज इक्वल टू स्मॉल एल क्यू अपॉन 6 आर कैपिटल एल, स्मॉल एल एंड कैपिटल एल. एंड जो ये आर है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, मतलब जहाँ पे ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व मिलते हैं वहाँ पर की रेडियस है, ठीक. ये तो ए वाई होता है, अभी इसको इस तरह मैं लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एल क्यू अपॉन 6 आर एल ब्रैकेट में 1 माइनस 5 स्क्वायर बाई 14. ये होता डॉट डॉट, इसके आगे भी कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक. ये वाई ऑर्डिनेट हो गया. फाई क्या, फाई इज स्पाइरल एंगल, फाई इज द स्पाइरल एंगल. अब एक्स क्या होता है, एक्स का जो ऑर्डिनेट होता है दैट इज स्मॉल एल ब्रैकेट में 1 माइनस 5 स्क्वायर बाई 10, ठीक, डॉट डॉट डॉट, और सारे टर्म्स होते हैं, ठीक. तो ये वाई ऑर्डिनेट और एक्स ऑर्डिनेट होता है. एक चीज़ और होता है आइडियल ट्रांजिशन कर्व में, वो क्या होता है, एल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर. एल क्या है, स्मॉल एल, यानी किसी पॉइंट तक आप पहुंच रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वहां से वहां तक जो लेंथ है उस पॉइंट पे जो रेडियस होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. और एक चीज़ और है, एल प्रोपोर्शनल टू के इंटू अंडर रूट फाई. फाई क्या है, स्पाइरल एंगल. यानी इतनी चीज़ आपका हम आइडियल ट्रांजिशन कर्व से रिलेट कर दी. आइए अब हम क्वेश्चन से देखते हैं, है क्या पहला, फ्रॉड्स ट्रांजिशन होता क्या है. फ्रॉड्स ट्रांजिशन जो होता है, आपको मैं बता दूँ, ये जो हमारा आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है उसके सिर्फ वाई और एक्स ऑर्डिनेट्स के हम एक एक टर्म को लेते हैं, बाकी टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, जैसा कि हमने वाई ऑर्डिनेट और एक्स ऑर्डिनेट का इक्वेशन लिखा था. और क्या करते हैं, जो कर्व होता है उसका हम प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल में लेके वही कर्व लेंथ को डिफाइन कर देते हैं. तो यानी इसके अकॉर्डिंग फ्रॉड्स ट्रांजिशन होना क्या चाहिए, फ्रॉड्स ट्रांजिशन होना क्या चाहिए, देखते हैं कोई ऑप्शंस. लेंथ ऑफ द कर्व मेजर्ड ऑन टेंजेंट विद द फर्स्ट टर्म ओनली टेकन इनटू द अकाउंट फॉर बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द इक्वेशन फॉर आइडियल ट्रांजिशन कर्व. यस, जो फ्रॉड्स ट्रांजिशन होता है यानी क्यूबिक पैराबोला होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो लेंथ ऑफ कर्व का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यानी हम टेंजेंट के लॉन्ग मेजर कर लेते हैं, और y और x कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो आइडियल ट्रांजिशन कर्व के y और x कोऑर्डिनेट्स के सिर्फ फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं, बाकी को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है.
यानी आपका ए का थ्री हो जाएगा, ठीक, ए का थ्री। बी क्या है, क्यूबिक स्पाइरल। क्यूबिक स्पाइरल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो लेंथ होता है टेंजेंट के लॉन्ग मेजर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, इसमें हम कर्व के अलोंग मेजर करते हैं। क्यूबिक स्पाइरल में लेंथ ऑफ द कर्व में लेंथ ऑफ द कर्व मेजर्ड ऑन द मेजर्ड अलोंग द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व मेजर्ड ऑन द कर्व इटसेल्फ विथ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द इक्वेशन फॉर आइडियल ट्रांजिशन कर्व टेकन फॉर वाई कोऑर्डिनेट्स। यस, ट्रू और क्लोदायड स्पाइरल क्या होता है, ट्रू और क्लोदायड स्पाइरल इसमें क्या होता है, इसमें भी लेंथ ऑफ कर्व मेजर्ड ऑन द कर्व विथ एटलीस्ट टू टर्म्स एक्सेप्टेड फॉर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम इक्वेशन फॉर आइडियल ट्रांजिशन कर्व। यानी जो क्लोदायड स्पाइरल होता है या ट्रू स्पाइरल होता है, उसमें जो हम लेंथ ऑफ कर्व मेजर करते हैं वो अलॉन्ग द कर्व मेजर करते हैं, ना कि टेंजेंट पे उसका प्रोजेक्शन लेके मेजर करते हैं, ठीक। दूसरी चीज, जो इसका वाई और एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम आइडियल ट्रांजिशन कर्व के वाई और एक्स कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं, उनके एक टर्म को नहीं लेते बल्कि दो दो टर्म को लेते हैं। यानी जो आपका ट्रू स्पाइरल होता है या क्लोदायड स्पाइरल होता है, ये आइडियल ट्रांजिशन कर्व के काफ़ी नियरेस्ट होता है, ठीक है। तो जो आपका ट्रू स्पाइरल यानी सी का फाइव होगा, ठीक है। लेमनिस्केट कर्व क्या होता है, द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्स बाई ऑटोमोबाइल टर्निंग फ्रीअली, यानी डी का टू हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो ऑप्शंस बनेंगे वो कट गया है, लेकिन आप इस तरफ मैच कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैच कर लेते हैं, ए का थ्री एंड डी का टू एंड सी का फाइव एंड डी का बी का फोर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ग्रेडियंट ऑफ ग्राउंड इज -3% दैट ऑफ अनदर ग्राउंड इंटरसेक्टिंग विद द फॉर्मर इज 5% एंड द होरिजेंटल लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व टू बी ड्रॉन इज 600 meters, देन द वर्टिकल ऑफसेट ई फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द वर्टिकल कर्व टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व विल बी। देखिए, वर्टिकल कर्व में एनालिसिस करते समय हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। क्या, देखिए, सपोज करिए आपका एक कर्व है ए, एक टेंजेंट यहाँ से है और एक टेंजेंट ए है, ठीक। तो जो इंटरसेक्शन, अब ये आपका होरिजेंटल लेंथ है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से यदि हम ये ड्रॉ करें, सपोज करिए आपका ये एच है और ए एम है और ए एन है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एम एन बराबर एम एच, एम एन बराबर एम एच, ठीक। और जो इसका इंटरसेक्शन है वो मान लेते हैं ये आपका जो कॉर्ड है होरिजेंटल ए बी है, तो ए से एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एच इज इक्वल टू बी एच, ए बी एक एजम्पशन, ठीक। अब विद द हेल्प ऑफ दीज एजम्पशंस, अच्छा जो लेंथ है कर्व का, दिस इज ए वाला, ये हम मान लेते हैं किसके बराबर है, ए बी के बराबर है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। अब हम इन एजम्पशंस के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए देखते हैं, इफ द ग्रेडियंट ऑफ ग्राउंड इज -3%, यानी आपका ग्राउंड कुछ इस तरह से यूं, फिर क्या है, अनदर ग्रेडियंट इज 5%, दिस इज 5%, ये मान लेता हूँ G2, दिस इज G1, और ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आई है, दिस इज होरिजेंटल, अच्छा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आई है दिस इज वर्टेक्स करें, अच्छा जो लेंथ है एंड द होरिजेंटल लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व टू बी ड्रॉन इज 600 meters, यानी ये लेंथ जो होगा 6 meters हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300, ठीक। देन द वर्टिकल ऑफसेट ई फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द वर्टिकल कर्व टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, टू द मिड पॉइंट ऑफ कर्व। देखिए, यहाँ से आपने ऑफसेट ई जो डाला, हमने बताया मान लेते ये दोनों क्या होंगे बराबर, मान लेता हूँ आई ए एम हो गया और ए एच हो गया, यानी एम एच इज इक्वल टू आई एम, ठीक। तो हमें सिर्फ बताना है आई एम कितना होगा,
क्योंकि ये जो वर्टिकल ऑफसेट्स हैं ये कर्व को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक, तो आपको क्या बताना, सिर्फ आई एम बताना। अब आई एम निकलेगा कैसे, चलिए देखते हैं। अब हम ये ट्रायंगल एक बनाते हैं। ठीक, मान लेता हूँ ए लेंथ कितना हो जाएगा, ए वाली ये हो जाएगा आपका जी टू टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जी टू बराबर वाई बाई एक्स, यानी जी टू इंटू एक्स कितना हो जाएगा जी टू इंटू एक्स। और ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए वाला जी वन इंटू एक्स। तो यानी आई से एच कितना हो जाएगा, ए वाली वर्टिकल डिस्टेंस और ए वाली वर्टिकल डिस्टेंस का एवरेज ले लेते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए थोड़ी स्पेस कम है, जी वन इंटू एक्स प्लस जी टू इंटू एक्स डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू आई एच। अच्छा, अब एक्स कितना है, 300 मीटर, जाहिर सी बात है हमने बताया था एजम्पशन में। और जी वन कितना है, 3%, और जी टू कितना है, 5%, एक्स कितना है, 300 मीटर। तो आप 300 प्लस 300 का डिवाइड कर लेंगे तो आपको 150 मिल जाएगा, और 3 प्लस 5 इंटू 8% हो जाएगा 8%, यानी 8 डिवाइड बाई 100, यानी 1.5 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 12 मीटर। लेकिन हमें बताना कितना है, आई टू एच नहीं बताना बट आई टू एम बताना है, यानी 12 बाई 2 यानी 6 मीटर, यानी जो आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेस लाइन मेजरमेंट्स। बेस लाइन मेजरमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमारे पूरे कंट्रोल एरिया को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी एरर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज पुल ऑन द टेप कैन बी आइदर क्यूमुलेटिव और कंपनसेटिव। यस, यदि हम स्टैंडर्ड पुल नहीं लगाते हैं तो यह आपका क्यूमुलेटिव भी हो सकती है, कंपनसेटिव होते हैं, कंपनसेटिंग नेचर भी हो सकती है। क्यूमुलेटिव मतलब हमेशा वो बढ़ता गया या घटता गया, एक क्यूमुलेटिव हो गई। कंपनसेटिंग मतलब कभी बढ़ा कभी घटा, तो यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यानी स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो, इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शंस इन द मेजरमेंट ऑन द बेस लाइन कैन बी क्लियर्ड बाई एरेक्टिंग द टावर्स। यस, सपोज यदि कहीं पे हमारा कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया, तो उस पॉइंट को हमें किसी दूसरे साइड से डील करना है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे थोड़ा सा कोई टावर्स लगा देते हैं जिसकी हाइट ज़्यादा हो, उस साइड से हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी स्टेटमेंट टू एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें मैच करना है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, एरर ड्यू टू द फेज ऑफ द सिग्नल। एरर ड्यू टू द फेज ऑफ सिग्नल क्या होता है, इसमें क्या होता है, सन एल्यूमिनेटिंग ओनली ए पोर्शन ऑफ द सिग्नल। मतलब जो हमारा सिग्नल आ रहा है उसका कुछ पार्ट्स ही एल्यूमिनेट हो रहा है, यानी जो एरर ड्यू टू द फेज ऑफ सिग्नल दैट विल बी द बी का 1। नेक्स्ट, एरर ड्यू टू द इसेंट्रिक सिग्नल। सबसे पहली चीज़, इसेंट्रिक स्टेशन या फॉल्स स्टेशन या सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है। जैसे हम कभी ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग करते समय हमारा जो ट्रैवर्स स्टेशन है वो कोई ऑब्जेक्ट के नीचे आ गया, ऑब्जेक्ट के पास आ गया, किसी बिल्डिंग के पास आ गया, जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हम एक अलग स्टेशन बना लेते हैं उसके नियर अबाउट, दैट इज फॉल्स स्टेशन या इसेंट्रिक स्टेशन या सैटेलाइट स्टेशन होता है। इसके वजह से जो सिग्नल में डिस्प्लेसमेंट्स आता है वो भी एक एरर ही होता है। यानी आपका एरर ड्यू टू द इसेंट्रिक सिग्नल सी का क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द सिग्नल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द एक्चुअल साइट, यानी सी का 5। एरर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमारा जो कॉलिमिनेशन लाइन ऑफ साइट है वह रिफ्लेक्ट कर जाती है जब हमारा लाइन रेज जो होता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, यानी इसका 3 हो जाएगा, डी का 3। ये क्या, अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल। अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल क्या होता है, ड्यू टू द डिसलेवलमेंट ऑफ टर्नियन एक्सिस, ए का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार इज ऑब्जर्व एट अपर कुलमिनेशन व्हेन इट्स नॉर्थ ऑफ जेनिथ।
द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 30 डिग्री नॉर्थ एंड द डिक्लिनेशन ऑफ द स्टार इज 50 डिग्री नॉर्थ, द जेनिथ डिस्टेंस ऑफ द स्टार इज, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि जेनिथ डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा माइनस थीटा और थीटा माइनस डेल्टा। सिंस यहाँ पे डिक्लिनेशन जो हमारा है वो 50 डिग्री नॉर्थ है, तो जेनिथ डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 50 माइनस और आपका जो लैटिट्यूड है 30 डिग्री है, डेल्टा हमारा डिक्लिनेशन होता है, थीटा क्या होता है लैटिट्यूड, 50 माइनस 30 यानी 20 डिग्री आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल सिडरियल टाइम LST इज ऑलवेज, देखिए सिडरियल टाइम जो होता है ये हम पर डे के हिसाब से बता रहे हैं, यानी सिडरियल डे के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि सिडरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर भी होता है, जिसमें क्या होता है ट्रॉपिकल ईयर जो होता है, ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है, देखिए सिडरियल डे एंड ट्रॉपिकल डे होता है, तो ट्रॉपिकल डे इज ग्रेटर देन सिडरियल डे, जबकि ट्रॉपिकल ईयर इज लेस देन सिडरियल ईयर, यानी सिडरियल ईयर जो होता है ट्रॉपिकल ईयर से बड़ा होता है, जबकि सिडरियल डे ट्रॉपिकल डे से छोटा होता है। एक ट्रॉपिकल डे 24 घंटे के बराबर होता है, जबकि सिडरियल डे 23 घंटे 56 मिनट के बराबर होता है, यानी आपका सिडरियल डे जो होता है 4 मिनट ट्रॉपिकल डे से छोटा हुआ, ठीक, तो यानी 4 मिनट छोटा हुआ कितना, एक दिन में, तो 30 दिन में कितने मिनट छोटा हुआ, 30 × 4 यानी 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स, तो इसका मतलब लोकल सिडरियल टाइम जो होता है लोकल मीन टाइम से 2 घंटा पीछे हो जाएगा एक महीने में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोकल मीन टाइम जो होता है वो ट्रॉपिकल डे के बेसिस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस, इट इज डिटरमाइंड बाई वायरलेस टाइम सिग्नल्स, यस सही, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रोनोमीटर्स, यस, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, रॉन्ग, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 इज करेक्ट। कभी भी लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए हम वायरलेस टाइम सिग्नल यूज कर लेते हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रोनोमीटर्स यूज करते हैं, यानी 1 और 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एरियल फोटो द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर एंड द फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 1000 मीटर above the average terrain height, then the height of the displacement of the image from the true position will be, जैसा हमने बताया due to the height displacement of position of the image that is called the relief displacement, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो सीधे आपको इसका फार्मूला क्या होगा, relief displacement बराबर d बराबर इस r, इसमें r क्या है आपका दे रखा 10 सेंटीमीटर है, स्मॉल h क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 100 मीटर, और h क्या फ्लाइंग हाइट अबव द डेटम 1000 मीटर, तो आप करेंगे तो इसे मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, रेसिप्रोकल लेवलिंग कब करते हैं, जब हमें जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया रिवर के बोथ साइड्स में हमें रीडिंग लेनी है, तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी जो कॉलिमिनेशन एरर होती है उसे हम मैनेज कर सकते हैं। बैलेंसिंग फोर साइड एंड बैक साइड क्या होता है, जब हम इंस्ट्रूमेंट मिडवे रखें किसी दो रीडिंग के बीच में बैक साइड और फोर साइड में, तो हमारा जो कॉलिमिनेशन एरर होता है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, तो बैलेंसिंग फॉर फोर साइड क्या होता है एलिमिनेट्स द कॉलिमिनेशन एरर, यस, और रेसिप्रोकल लेवलिंग भी कॉलिमिनेशन एरर को ही एडजस्ट करता है, ठीक है। इन्वर्टेड स्टॉप रीडिंग क्या होता है, कभी हमने स्टॉप रखा, यदि हमें स्टॉप सेट किया और रूप के टॉप बॉटम का हमें रीडिंग लेना है, तो हमारा जो पॉइंट्स है वो हमारे स्टॉप के अबव है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं इन्वर्टेड स्टॉप रीडिंग लेते हैं, ठीक है। टिल्टिंग लेवल क्या होती है, टिल्टिंग लेवल में क्या होता है हमारा जो टर्नियन एक्सिस होता है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर कम्प्लीटली नहीं होते, तो इस तरह से यदि हम आंसर को मैच करें तो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है एलिमिनेट्स द एरर ड्यू टू द इंक्लाइंड लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, यानी ए का 4, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग फोर साइड्स एंड बैक साइड, तो इसका बी का क्या हो जाएगा, बी का 2, एलिमिनेट्स द कॉलिमिनेशन एरर। सी इन्वर्टेड स्टॉप रीडिंग, यानी पॉइंट्स अबव द लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, सी का 1। डी क्या, टिल्टिंग लेवल, द वर्टिकल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, यानी डी का 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स कैन बी यूज टू ले आउट द हॉरिजॉन्टल एंगल्स इन द फील्ड, माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट्स, यस, चेन एंड मेटेलिक टेप्स भी यूज कर सकते हैं,
हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट्स में वर्नियर थियोडोलाइट्स भी यूज कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास भी यूज कर सकते हैं। अब किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में हमें सेटअप करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट्स, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट होता है वर्नियर थियोडोलाइट्स का, नेक्स्ट होता है प्रिज्मेटिक का, नेक्स्ट होता है चेन एंड मेटेलिक टेप का। तो जो करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 4, 2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डाउन हिल एंड ऑफ 20 मीटर टेप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लो देन द हॉरिजॉन्टल लेंथ विल बी। देखिए ये हमारा कुछ ऐसे है, ए दिस इज 80 सेंटीमीटर, ठीक। देन द हॉरिजॉन्टल लेंथ, इस हॉरिजॉन्टल लेंथ को पूछ रहे हैं, ए 20 मीटर है। इफ द डाउन हिल एंड ऑफ 20 मीटर टेप, ए 20 मीटर है, ए 80 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, हमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसा कि हम जानते हैं करेक्शन हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2l, एच क्या है 80 सेंटीमीटर, एल क्या है 20 मीटर, तो यानी हो जाएगा हमारा 20। इस तरह से देखते हैं 20 मीटर माइनस एच स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर में, तो आप इसे मीटर में चेंज कर लें, तो 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 20। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा क्या हमें, 19.984 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू गाइज़।